जैसे मोलरिटी होती है, जैसे नॉर्मलिटी होती है, वैसे ही एक और कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सॉल्यूशन में एक टर्म यूज होता है, वो है मोलरिटी, बराबर, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। मतलब अगर हम सॉल्वेंट को केजी में लेंगे, वेट में लेंगे, तो वो जो हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम मोलरिटी कहेंगे। और इसे हम ज़्यादा डिस्क्राइब करें तो वो बनता है जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया जाता है वो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमें सॉल्यूट दिया जाता है उसका मोलर मास डिवाइड बाय सॉल्वेंट वो केजी में। तो अगर ये आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आते, तो जैसे हमने इससे पहले मोलरिटी और नॉर्मलिटी को समझा था, वैसे ही कि मान लीजिए NaOH है अपने पास, बराबर, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा 40 ग्राम, तो 40 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा NaOH के लिए। तो 40 ग्राम को हम 1 kg वाटर में डालेंगे, तो वो हमारा बनेगा, वो 1 मोलरिटी सॉल्यूशन बनेगा। हम यहाँ पे मानते हैं कि 1000 ml होता है, मतलब 1 लीटर होता है, वो 1 kg के बराबर होता है, बराबर। तो बस आपको ये लाइन एक याद रखनी है कि 1 मोलरिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको NaOH का 40 ग्राम NaOH को 1 kg वाटर में डालना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि अगर हमको 50 ग्राम लेके NaOH को लेके 500 ml, मतलब 500 ग्राम में डालते हैं, तो कितना जो मोलरिटी सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा। तो उसको आगे मैंने आधा किया है, तो अगर मतलब 40 की जगह हम 20 ग्राम लेंगे, तो उसको हम आधे किलो में डालेंगे, तब भी वो 1 मोल सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर 20 ग्राम को हम आधा किलो में डालेंगे तो 1 मोल बनेगा, तो 50 ग्राम को अगर हम कितने में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 × 0.5 / 20 रहेगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1.25 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, मोलरिटी सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए ज़्यादा, कि मान लीजिए हमको 5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 5 मोलरिटी सॉल्यूशन बनाना है KOH का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ पे KOH है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो 58.10 ग्राम रहेगा। तो 58.10 ग्राम को हम अगर 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम, और जिसको हम केजी में हमको लेना है मोलरिटी के लिए, तो 1 kg पानी में डालेंगे तो वो 1 मोलरिटी सॉल्यूशन बनेगा। और हमको चाहिए 250 ग्राम, 250 ml, मतलब 250 ग्राम, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इसको आधा किया, तो ये भी आधा होगा, तीनों को एक साथ आधा नहीं करना है। तो अगर हम 29.05 ग्राम डालेंगे आधे किलो में, तब भी वो 1 मोलर ही रहेगा, और उसका आधा कि 14.52 ग्राम डालेंगे हम 0.25 kg में, मतलब कि 250 ml में, तब भी वो 1 मोलर सॉल्यूशन ही रहेगा। अभी हमको क्या करना है, 250 ग्राम डाल जो चाहिए था वो यहाँ से मिल जाएगा 250 ग्राम में, मतलब कि 0.25 kg में, और हमको बनाना है 5 मोलरिटी सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 ग्राम को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना अमाउंट बना हमारे पास, मतलब इतना अमाउंट मैं 250 ml, मतलब 250 ग्राम में डालूँगा, तो वो जो मुझे मिलेगा वो 5 मोलरिटी सॉल्यूशन मिलेगा KOH का। तो आप ऐसे आगे भी एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं।